अगर मैं गुड़ गर्ल बनूंगी तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाओगे ना? अरे काय को मार रहा है सर? कैसा है अडविन? हाँ क्या इसमें? अरे कुछ नहीं है उसमें, देख रहा हूँ ना मैं। अरे सच में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है सर? देखो बाबा, गोवा की पुलिस अपाहिज आदमी को कैसे परेशान कर रही है। अरे अरे उसमें उसमें कुछ नहीं। अरे अभी गाड़ी तक भाग के जा, वरना यहीं फूट दूंगा। चल वो सब मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ ड्रग संभालता हूँ। इसे देखा है? आंखें तो है इसकी, ये मूंगी बनी होगी। मूंगी? मूंगी मतलब चींटी, माल बेचते हैं इनसे टूरिस्ट के हाथ, या पैसा लाना हो तो लेके भी आते हैं। सर इनका काम का तरीका बहुत सिंपल है, चींटी एक टॉय शॉप से कार का खिलौना उठाती है जिसमें ड्रग्स रखे होते हैं और चलने लगती है। अब क्या है ना साहब, बच्चों पर कौन पुलिस वाला शक करेगा, इसलिए चींटियां मतलब बच्चे सबका काम आसान कर देते हैं। और फिर वो खिलौना पहुंचता है गेमिंग जोन में, जो बच्चों के खेलने की जगह है। अब सर गेमिंग जोन में पुलिस चेकिंग करें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां हमारा आदमी उस खिलौने को अपने पास रख लेता है और उसमें से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, और फिर दूसरा बच्चा आके वो ड्रग्स का पैकेट लेके आगे निकल पड़ता है। वो ड्रग्स का पैकेट पहुंचता है तीसरी जगह, ड्रग्स के बदले बैग में पुराने जूते रखे जाते हैं। असल में उन जूतों में क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फिर से गेमिंग जोन में डिलीवर होते हैं। वहां पहले बच्चे के हाथ में क्रेडिट कार्ड्स थमाए जाते हैं और वो आगे निकलता है। बीच रास्ते में तीसरा बच्चा वो बैग उठा लेता है और पहुंचता है एटीएम। तभी क्लाइंट पुलिस स्टेशन में कार्ड खोने की रिपोर्ट लिखाता है। पैसे का निशान नहीं रहता क्योंकि कैश में कोई लेन देन होता ही नहीं ना सर, और दिन में 20-30 क्रेडिट कार्ड्स का खो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसपे पुलिस का ध्यान जाए। और सर अलग अलग पुलिस स्टेशन्स में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता। ए, रुको।
लो। ये पिल्ले कितना ड्रामा करते हैं ना। है ताकत है उसको। तुम क्या लगे इतने काम कर रहा। हेलो, एक घंटे में नायोमी को यहाँ लेके आओ। किस खुशी में? ए, ये किसकी आवाज थी? मुसीबत के वक्त भाई भाई की आवाज नहीं बचाता। देख, अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं
जाने का टाइम आ गया है। मेरी मम्मा कहाँ है? घाट के पास। यहाँ इसी एम्बुलेंस से भेजा था उसे।